अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हुसैन बेग और आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा, वो है FIR. FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बेसिकली वो एक तहरीर है जो पुलिस के रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज की जाती है. मसलन किसी आदमी को कोई इशू हुआ और उसको किसी ऑफेंस का सामना करना पड़ा या किसी आदमी ने उसके साथ ज़्यादती की, तो उसने एक सादा एप्लीकेशन लिखी और वो एप्लीकेशन लिख के पुलिस स्टेशन चला गया. पुलिस ऑफिसर का या मतलब SHO का ये फ़र्ज़ है कि जो भी तहरीर कोई साइल लेके आता है उसको रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज करें. रजिस्टर नंबर 1 में FIRs के नंबर होते हैं. एक FIR उस एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च कर दी जाती है, लेकिन FIR होने से पहले दो चीज़ें पुलिस ऑफिसर मद्देनज़र रखता है. एक तो ये देखता है कि क्या ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजिबल है या कि नॉन कॉग्निजिबल. यानी कॉग्निजिबल से मुराद है कि वो ऑफेंसेस जिनको पुलिस बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है. दूसरे ऑफेंसेस वो हैं जिनको पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं. अब जो पुलिस है अगर वो ये समझे कि जो एप्लीकेशन है वो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में स्टैंड करती है, तो पुलिस फिल फोर उसके ऊपर FIR का अंदराज करके मुलज़म को गिरफ्तार कर लेती है. ऐसे ऑफेंसेस जैसे कत्ल, अगवा, डकैती या इस तरह के जो चोरी के मुकदमात हैं वो तमाम के तमाम कॉग्निजिबल होते हैं. यानी पुलिस को इख्तियार होता है कि वो बग़ैर किसी मजिस्ट्रेट के वारंट लिए हुए ऐसे मुलज़मान को अरेस्ट कर ले. जबकि दूसरे जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं. यानी ऐसे ऑफेंसेस जो पुलिस के दस्तंदाजी में नहीं आते. पुलिस ऐसे मुलज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए पहले लोकल मजिस्ट्रेट यानी हर थाने के जो 3-4 थाने हैं उनका एक मजिस्ट्रेट होता है, तो पुलिस ऑफिसर पहले अपना जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उससे पहले वारंट इशू करवाती है, फिर उसके बाद जो अक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार करती है. तो ऐसे ऑफेंसेस को नाकाबले दस्तंदाजी पुलिस कहा जाता है. जब एक FIR का अंदराज हो जाता है और पुलिस के ये धाराकार में आता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर उसकी जो रिपोर्ट है वो लोकल मजिस्ट्रेट को करे. अगर उसने मुलज़म को पकड़ लिया है तो वो उसे 24 घंटे के अंदर अपने लोकल मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाती है. लोकल मजिस्ट्रेट का आगे एक अपना दायरा इख्तियार शुरू हो जाता है. वो चाहे तो मुलज़म को उसी वक्त भी डिस्चार्ज कर सकता है, यानी इसी वक्त वो FIR से उसको निकाल सकता है, FIR खारिज कर सकता है, या वो पुलिस को उसकी इस्तदा के मुताबिक रिमांड दे सकता है. रिमांड का मतलब है कि वापस बुलाओ, यानी उसे वहाँ ले जाओ वापस. तो पुलिस स्टेशन चला जाता है, पुलिस फिर उस मुलज़म को इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी जो इसकी तहकीक है या जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल करती है. जब ये चलान मुकम्मल हो जाता है जिसको 173 की रिपोर्ट कहा जाता है, तो पुलिस अपना चलान जो है वो सबमिट करती है अपने सरकारी वकील के ज़रिए से. जिस तरह से 3 या 4 थानों के ऊपर एक लोकल मजिस्ट्रेट होता है, बिल्कुल इसी तरह से 3 या 4 थानों के ऊपर एक ADPP होता है, यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो ये जो चलान है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास चला जाता है, जो इसे पास करने के बाद मुतलका अदालत में भेज देता है. लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो चलान है वो लोकल मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर ही जाता है. आगे जो लोकल मजिस्ट्रेट है ये 1-1.5 महीने के बाद या जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हुई, तो लोकल मजिस्ट्रेट फिर ये देखता है कि इसका जो ट्रायल है वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है या कि ये सेशन ट्रायल है. अगर तो ये मैजिस्ट्रियल ट्रायल हो तो फिर जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उसका ट्रायल अपनी अदालत में शुरू कर देते हैं, या फिर अगर उन मैजिस्ट्रेट साहब की दायरा इख्तियार ना हो तो वो फिर अपने से सीनियर मैजिस्ट्रेट जिसके दायरा इख्तियार में वो जुर्म आता हो उसके पास इसका ट्रायल भिजवा देती है.
अब जो सेशन कोर्ट है, अगर सेशन ट्रायल हो तो फिर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो सेशन कोर्ट में वो मिसल भिजवा देते हैं, और वहाँ से फिर जो अक्यूज्ड है अगर वो जेल में हो तो जेल में उसको नोटिस आता है और वो अगली पेशी के ऊपर जाके मजिस्ट्रेट सॉरी जो सेशन जज है उनके पास पेश होता है। लेकिन अगर जो ये मुलज़म हो ज़मानत पे तो फिर उसको नोटिस इशू होता है और उसको पाबंद किया जाता है लोकल पुलिस के ज़रिए से कि वो आके अदालत में पेश हो, असालतन पेश हो, और फिर बाद में वो वकालतन पेश हो, अपना वकील लेके आए। इसी तरह से जो प्रोसिक्यूशन साइट है यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो मदयान है वो एक मौसर शहादत लेके आते हैं उस आदमी के ख़िलाफ़। जब ये मौसर शहादत आती है फिर ट्रायल होता है, शहादत होती है, शहादत होने के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, यानी भरपूर अंदाज के साथ जो प्रोसिक्यूशन साइट है अपने केस को डिफेंस करती है। बाद में जो कोर्ट है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की अदालत हो या सेशन की अदालत हो, वो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद मुलज़म की बेगुनाही को या उसकी जो जो कन्विक्शन है उसको देखती है और उसके मुताबिक फिर उसकी सज़ा हो जाती है। अब यहाँ देखना है, जिस तरह से मैंने बताया कि कॉग्निसिबल और नॉन कॉग्निसिबल ऑफेंसेस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी होते हैं। मसलन कुछ ऐसे जराइम हैं जिनमें राजीनामा हो जाता है, और जबकि कुछ ऐसे भी जराइम हैं जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता, मसलन पार्टीज़ चाहें भी तो राजीनामा नहीं हो सकता। जैसा कि दहशतगर्दी के जो केसेस हैं उनमें राजीनामा नहीं होता अगर जो किसी आदमी ने FIR दर्ज करवाई हो, क्योंकि इसमें बराह रास्त उस आदमी के अलावा स्टेट यानी रियासत के जो बशिंदे हैं वो भी मुतासर हो रहे होते हैं। इसलिए जो मदई है उसको ये हक हासिल नहीं होता कि वो एक दफ़ा जो इसकी FIR है वो अंदराज करवा ले तो उसके बाद फिर इसको वो देते बाद में जाके तो वो सुलह कर ले, यानी सुलह का जो ऑप्शन है वो मदई के पास मौजूद नहीं रहता। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि FIR का जो दायरा इख्तियार है वो थोड़ा सा और भी हवालों से है। वो ये है कि हर आदमी अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए कानून के मुताबिक अमल दरामद करवाता है। मसलन आपने देखा होगा कि पेस्टिसाइड की जो होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राइत के, इनको असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चरल कहा जाता है, उनके पास इख्तियार होता है कि वो जो ज़राई अद्वियात हैं उनके जो दुकानें हैं उनको चेक कर सकता है कि वहाँ पे कोई ज़ायद अलमियाद चीज़ नहीं या कोई दो नंबर चीज़ जो है वो नहीं है, तो अडल्ट्रेटेड मटेरियल हो या उसको ये शक करे तो वो भी FIR दे सकता है, लेकिन वो अपना इस्तगासा देता है। इसी तरह से 462J की FIR आपने देखी होंगी, मसलन बिजली चोरी के जो पर्चा जाते हैं उसके लिए जो लोकल जो सब डिविजनल ऑफिसर है वापडा का वो FIR देता है। या फिर आपने देखा होगा एग्जामिनेशंस के अंदर कोई चीटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आता है, चेक करता है किसी से अगर कोई जो चीटिंग मटेरियल बरामद होता है तो वो भी FIR दे देता है। लेकिन ये जो FIRs होती हैं वो बेसिकली इस्तगासा की सूरत में होती हैं, यानी वो सादी एप्लीकेशन लिखता है बखिदमत जनाब SHO और अपनी तरफ से एक इस्तगासा लिखता है। इस्तगासा को इंग्लिश में कंप्लेनेंट कहा जाता है, यानी वो एक कंप्लेंट लिखता है SHO के नाम पर, और SHO फिर उसकी कंप्लेंट के ऊपर हूबहू एक जो भी ऑफेंस बनता हो उस सेक्शन के तहत, मसलन अगर उसने पेस्टिसाइड का कोई इस्तगासा दिया है तो पेस्टिसाइड की जो सेक्शंस हैं जैसे 20A है, 25 है, 21 है, इन सेक्शंस के तहत जो है वो FIR का अंदराज होता है। इसी तरह से जो जो वापडा ऑफिसर हैं वो फिर अपनी जो उनके सेक्शंस हैं या उनका जो कानून है उसके मुताबिक ये देता है FIR। हम बेसिकली इस सतह पे पहुँचे कि FIR बेसिकली जराइम के अंदराज की एक बुनियादी रिपोर्ट होती है जो रजिस्टर नंबर 1 जो पुलिस के पास होता है उसमें दर्ज की जाती है। अब जो ऑफेंसेस हैं उनकी अपनी स्टेजेस होती हैं, अपनी उनकी जो होती हैं ज्यूरिस्डिक्शन वो होती हैं, मसलन ट्रायल सेशन के पास भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट के पास भी हो सकता है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके पास भी हो सकता है, यानी जो जराइम हैं उनके मुताबिक जो कानून ने दायरा इख्तियार दिया हुआ है उस दायरा इख्तियार के मुताबिक उनका जो ट्रायल है वो होता है।
तो कहना आज का ये था कि FIR बेसिकली एक फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो किसी भी ऑफेंस के इर्तकाब की सूरत में लोकल पुलिस दर्ज करती है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है, ट्रायल होता है, उसके बाद उस मुलज़म की जो इनोसेंस या उसकी कन्विक्शन है वो साबित होती है। तो उम्मीद है मैंने आपको FIR के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बताई होंगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और खुसी तौर पे ये कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस वीडियो के नीचे जो लाल बटन है आप उसको प्रेस करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं अपलोड करूँगा वो आपको बराह रास्त मिलती रहेंगी। उम्मीद है आपने मेरी ये गुफ्तगू अपने लिए मुफीद समझी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।